दोस्तों अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं बगोदर टोल प्लाजा पे। ये देखिए बगोदर टोल प्लाजा का नज़ारा। तो अभी गाड़ी रोके हैं, चलते हैं टायर वगैरह चेक कर लेते हैं। और दोस्तों अभी रोहित का फोन आया था, बोला भैया हम शाम को उतर गए हैं जामताड़ा में, तो हम आना चाह रहे हैं। तो हम बोले ठीक है, शाम तक कोई गाड़ी बैठ के आ जाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दोपहर के 12 बज चुके हैं और ब्लॉक हमारा अभी से शुरू हो रहा है। तो अभी सिक्योरिटी गार्ड जो है फोन कर दिया है और बोल रहा है भैया अपना आके डीओ ले जाइए। तो दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं डीओ लाने के लिए। जब डीओ लेके आएंगे उसके बाद हमारा टूल लिस्ट बनेगा, फिर यहाँ से गाड़ी हम लोग लेके जाएंगे अंदर में, फिर खाली गाड़ी का काटा होगा, उसके बाद ही लोडिंग आज हमारा होगा। और हमारा गाड़ी में जो लोडिंग होगा वो तार बंडल लोड होगा, वो भी नेपालगंज के लिए। तो यहाँ से लगभग 800-900 किलोमीटर का जर्नी होगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब फोन आ गया है, पहले जाके डीओ लेके आ जाते हैं, उसके बाद टूल लिस्ट वगैरह भी सारा बनाना पड़ता है। क्योंकि कोई भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री में आइएगा तो सारा ये सब प्रक्रिया से गुजर के ही करना पड़ता है। दोस्तों अभी आए थे डीओ लेने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे डीओ मिलता है, लेकिन अभी आए तो बोला भैया अभी डीओ नहीं आया है और अभी दिन का 1 बज चुका है, मतलब लंच होने वाला है। तो अब बोल रहा है दोपहर के बाद ही आपको डीओ मिलेगा, मतलब 2 बजे के बाद ही डीओ मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ से 1 किलोमीटर बगल से, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है पार्किंग हमारा, तो पार्किंग से पैदल आए थे। अब तो डीओ यहाँ मिला नहीं, अब चलते हैं फिर ट्रक में। जब फ़ोन करेंगे भाई साहब तब आएंगे डीओ लेने के लिए, तब तक चलते हैं खाना पीना वगैरह सारा खा लेते हैं। तो यही सब होता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में जाइए तो हर जगह दौड़ाता है, कभी इधर कभी उधर, मतलब कुल मिला के ड्राइवर को हरासमेंट करने वाला बात हो जाता है। दोस्तों अभी आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं आज खाना में हमारा एकदम बंगाली खाना है, चावल दाल सब्जी। इधर देखिए मछली भी आज मंगवा लिए हैं, ये देखिए बंगाल में मछली खाने का कुछ भाई अपना ही मज़ा है। चलिए ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं गाड़ी के पास। दोस्तों खाना खा के आ गए हैं पार्किंग में और ये रहा गाड़ी, अब चलते हैं गाड़ी पे ही आराम करते हैं। अभी बोला कि जब फ़ोन करेंगे तभी आप आइएगा डीओ लेने के लिए। बताइए यहाँ से फैक्ट्री का दूरी 1 किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर बगल में पार्किंग है और यहाँ से इतना दूर लेके गया फिर वहाँ डीओ दिया नहीं, तो यही सब दिक्कत होता है। हेल्पर जब नहीं रहता तो बहुत दिक्कत हो जाता है। दोस्तों अभी दिन के 2 बज चुके हैं और गाड़ी में ही आराम कर रहे थे। तो देखिए एक सब्सक्राइबर भैया आ गए मिलने के लिए। नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार मिश्रा हुआ। अच्छा अच्छा, मैं यहीं पर रहता हूँ, हमें पंकज भैया का डेली का ब्लॉग देखते रहता हूँ। तो चलिए बहुत अच्छा लगा हमको कि गाड़ी में आराम कर रहे थे पार्किंग में, क्योंकि अभी तो डीओ हमको मिला नहीं है तो यहीं पे रुके हुए थे। तो आप हमारा ब्लॉग देख के आगे मिलने के लिए तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। तो चलिए इसी तरह प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहे, और क्या चाहिए इंसान को। आपका बात और व्यवहार से हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो हम आपसे मिलने आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सब्सक्राइबर भाई जो भी आते हैं अच्छा से बात करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब डीओ का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक तो डीओ आया नहीं है, फोन भी नहीं आया है। तो चलते हैं भैया के साथ चाय पानी पीते हैं, बगल में ही चाय नाश्ता का दुकान है। दोस्तों फैक्ट्री के मेन गेट पर आ चुके हैं और ये देखिए अपना डीओ भी मिल चुका है और ये देखिए सब्सक्राइबर भैया भी आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो चलिए अभी ठंडा वगैरह पी लेते हैं। देखिए थम्सअप भी हमारा आ गया है, ये देखिए ठंडा ठंडा कूल कूल लीजिए भैया, पीजिए, गर्मी बहुत है इसकी वजह से ठंडा पीना पड़ता है भाई। तो चलिए ठीक है दोस्तों, भैया जो है बहुत सही समय पे आ गए, अभी डीओ भी मिल गया और आप चलते हैं नीचे बैग से, वहाँ तक छोड़ देंगे फिर गाड़ी अंदर लेते हैं। दोस्तों अभी डीओ लेके आ गए हैं और ये देखिए यहाँ पे जमा कर दिए हैं, तो यहाँ हमारा टूल लिस्ट बनेगा, 5-6 के बाद हमारा नंबर आएगा। तो फिलहाल देख सकते हैं कितना ही भीड़ लगा हुआ है, तो अभी आधा घंटा यहाँ वेटिंग करना पड़ेगा, तभी हमको टूल लिस्ट बना के मिलेगा, तब तक वेट कर लेते हैं। दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अपना गाड़ी जो है पार्किंग का मेन गेट के पास लेके आ गए हैं। देखिए बैरियर लगा हुआ है, तो अब हमारा गाड़ी का चेक इन हो रहा है, बढ़िया से सिक्योरिटी भाई चेक करेगा, उसके बाद ही गाड़ी हमारा अंदर जाएगा। तो टूल लिस्ट बना लिए हैं, उसमें सारा जो जो भी सामान है हमारे गाड़ी में सारा लिखवा दिए हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब सिक्योरिटी से चेक करवाते हैं। दोस्तों सिक्योरिटी भाई जो है वो हमारे गाड़ी में चढ़ चुके हैं और हमारा टूल लिस्ट के अनुसार चेक कर रहे हैं, क्योंकि टूल लिस्ट में जितना भी हम मटेरियल लिखवाएं, मतलब सामान लिखवाएं, वो सारा वेरीफाई कर रहे हैं कि जो जो सामान लिखाया गया है वो है कि नहीं है, कि उससे ज़्यादा है, कि गैलन है वगैरह है, पानी वगैरह, ये सारा सिस्टम जो वो चेक करके ही फैक्ट्री के अंदर जाता है। दोस्तों अपने गाड़ी तो सिक्योरिटी से चेक करवा ली है, आप चलते हैं मेन गेट पे। ये रहा मेन गेट, सामने मेन गेट दिख रहा है, वहीं पे काटा है, बस इसी के अंदर जाएंगे, आगे काटा वगैरह करवा के फिर लोडिंग पॉइंट पर लगाते हैं। दोस्तों अभी काटा पे आ चुके हैं और ये देखिए गाड़ी चढ़ा हुआ है, ये गाड़ी को उतरने के बाद हम गाड़ी चढ़ाएंगे, उसके बाद काटा करते हैं, लेकिन यहाँ पर यही सिस्टम खराब है कि जैक उतारना पड़ेगा, यही सब दिक्कत होता है जब हेल्पर नहीं रहता है ना, बहुत सारा परेशानी होता है। अभी हमको जैक उतार के ही खाली गाड़ी का काटा करना पड़ेगा और जब गाड़ी लोड करके आएंगे उस समय भी हमको जैक उतारना पड़ेगा, तभी काटा करना पड़ेगा। तो बहुत सारा कंपनी का सबका अपना अपना नियम कानून होता है और ये बड़ा कंपनी है तो यहाँ पर और बहुत सारा बहुत दुनिया भर का नियम कानून है, इसके वजह से ड्राइवर भाई लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाता है।
और खासकर जब आदमी अकेला रहे ना गाड़ी पे तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अब जितना भी दिक्कत होगा वो तो सारा एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारे पास तो स्टाफ है नहीं। अभी देखिए कैसे क्या होता है, अभी लोड करते हैं और अभी शाम भी हो गया, क्या मालूम गाड़ी मेरा छूटेगा कि नहीं छूटेगा, वो भी देखने वाला चीज़ है। चलिए पहले कांटा करवा लेते हैं। दोस्तों हमारा गाड़ी का कांटा हो चुका है, देख सकते हैं इधर कांटा भी कर दिए, और देखिए हमारा कांटा पर्ची वगैरह सारा मिल चुका है। अब चलते हैं आगे उधर और गाड़ी का लोडिंग शुरू करवाते हैं। दोस्तों अभी लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और ये देखिए गाड़ी इधर लगा दी है और ये रहा हमारे हाथ में डीओ। अब चलते हैं जहाँ पे लोडिंग होगा वो डीओ जमा करना पड़ेगा, तभी हमारा गाड़ी लोडिंग होगा। तो आप देख सकते हैं ये देखिए पूरा तार बंडल का ही स्टॉक लगा हुआ है, उधर ही मिलेगा सुपरवाइजर साहब, उन्हीं के हाथ में देना पड़ेगा डीओ, उसके बाद जब नंबर आएगा तो हमारा गाड़ी लोडिंग होगा। दोस्तों पूरा डाला साफ़ कर दिए हैं, बत्ता और तिरपाल को बढ़िया सरिया कर रख दिए हैं सामने बक्सा में। अभी देखिए पूरा खाली हो गया है, सिर्फ पिछले बत्ता रखे हैं उधर, क्योंकि जब गाड़ी लोड हो जाएगा तो डाला उठा के बत्ता मार देंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब इंतज़ार करते हैं कब तक फोन आएगा, फिर गाड़ी हमारा लोडिंग पॉइंट पे लगेगा। दोस्तों मुंह वगैरह धो के आ गए हम नाश्ता करने के लिए, देखिए सामने कैंटीन है, तो देखिए अभी ठंडा पानी का बोतल लिए हैं, इधर देखिए आलू चाप, तो नाश्ता कर लेते हैं, शाम शाम कटे में भूख लग जाता है भाई। चाय भी मिलता है, चाय भी पियेंगे उसके बाद चलेंगे गाड़ी में। दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुके हैं और देखिए फाइनली हमारा गाड़ी लोड हो चुका है और देखिए हम लोग कांटा पे भी आ गए हैं, अभी कांटा पे गाड़ी चढ़ा दिए और देखिए तार बंडल बढ़िया से लोड कर लिए हैं और हमारा वजन भी सही हो गया है। अब कांटा पर्ची निकाल रहे हैं और गाड़ी उधर पार्किंग में लगाते हैं, उसके बाद ही पेपर मिलेगा हमारा। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और फाइनली हमारा पेपर मिल चुका है, तो ये देखिए गाड़ी लेके अभी मेन गेट पे आ चुके हैं, ये देखिए सामने है, तो सिक्योरिटी साहब जो अभी गाड़ी को चेक वगैरह करेंगे और हमको अवेलेबिलिटी दे देंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, आगे खाना पीना हमारा होगा और डीजल भी ले लेंगे रास्ता में ही। तो चलिए ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं, यहाँ से रानीगंज जो है सिटी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर बचा होगा, तो 10 किलोमीटर जाएंगे तभी हमको दिल्ली कलकत्ता वाला रोड मिलेगा, फिर वो रोड पकड़ के अपना सीधा चलते रहेंगे। दोस्तों अभी रात के 11 बज रहे हैं और अभी हम देखिए दिल्ली कलकत्ता रोड पे आ चुके हैं। जब फैक्ट्री से बाहर निकले तो रेलवे क्रॉसिंग के पास बहुत लंबा जाम लग गया था, इसके वजह से थोड़ा लेट हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आसनसोल बाईपास पार करते हैं, उसके बाद झारखंड बॉर्डर निकलेंगे हम लोग। दोस्तों रात के 1 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं बंगाल बॉर्डर पे, तो अभी ये देखिए इंडियन ऑयल के पंप में डीजल ले रहे हैं, तो अभी डीजल हम 15,002 रुपये का ले रहे हैं और इधर देखिए अभी डीजल यहाँ पे 91.08 रुपये है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं झारखंड बंगाल बॉर्डर पे, यहाँ से 100 मीटर आगे झारखंड का एरिया शुरू हो जाता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी डीजल भरवाते हैं, उसका झारखंड में हमारा खाना पीना होगा, अभी तो समय है 2-3 घंटा और गाड़ी चलाएंगे, फिर खाना पीना खा के सो जाएंगे, फिर सुबह चलेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं डीजल हमारा जा रहा है इधर। दोस्तों रात के 2 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं झारखंड निरसा, तो निरसा से 1 किलोमीटर आगे होटल में गाड़ी खड़ा की है, ये देख सकते हैं कितना बड़ा ये होटल है, तो देखिए इधर गाड़ी लगा दिए हैं और ये रहा सामने होटल। तो चलिए दोस्तों खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर 2-3 घंटा सो लेते हैं, फिर 5 बजे सुबह या 6 बजे सुबह जब नींद खुलेगा फिर यहाँ से चल देंगे। फिलहाल देखते हैं आज खाना में क्या है। दोस्तों हमारा खाना आ चुका है, ये देख सकते हैं आज मटर पनीर और रोटी, यही हमारा खाना हो रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों खाना खाते हैं। दोस्तों अभी खाना खा के आ गए हैं गाड़ी में और मच्छर वाला अगरबत्ती भी जला लिए हैं, तब चलते हैं सोने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा ब्लॉग का दूसरा दिन है, तो दोस्तों रात में निरसा में सो गए थे, तो अभी सुबह सुबह उठ के चले हैं, तो अभी हम लोग बरवड्डा पार करके आगे रुके हुए, देख सकते हैं इंडियन ऑयल का पंप है, तो यहीं पे रुके फ्रेश वगैरह हो गए हैं, देखिए रोड के किनारे मेरा गाड़ी लगा हुआ है, अब बगल में है चाय दुकान, तो चलते चाय पी लेते हैं। और ये देखिए हमारे सब्सक्राइबर भाई भी मिल गए हैं, तो चलिए सब्सक्राइबर भाई के साथ में चाय पीते हैं, ये देखिए बगल में ही चाय दुकान है, बस चाय पियेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से, अभी भी हमारा घर यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर बचा हुआ है, तो 2-3 घंटा और लगेगा क्योंकि धूप भी अब ज़्यादा आने वाला है, सोच रहे गाड़ी खींच के चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी घर पर नहाएंगे धोएंगे, 2-3 घंटे नहाए भी नहीं, पूरा कपड़ा वगैरह सारा गंदा। दोस्तों हमारा चाय आ गया है, ये देख सकते हैं सुबह सुबह कुल्हड़ वाला चाय मिल गया है, तो चलिए चाय पीते हैं।
दोस्तों अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं बगोदर टोल प्लाजा पे। ये देखिए बगोदर टोल प्लाजा का नज़ारा। तो अभी गाड़ी रोके हैं, चलते हैं, टायर वगैरह चेक कर लेते हैं। और दोस्तों अभी रोहित का फोन आया था, बोला भैया हम शाम को उतर गए हैं जामताड़ा में, तो हम आना चाह रहे हैं। तो हम बोले ठीक है, शाम तक कोई गाड़ी बैठ के आ जाओ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से घर हमारा मात्र 30 किलोमीटर बचा हुआ है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, रिस्पेक्ट ड्राइवर।